अवेरी गुड इवनिंग एवरी वन आई रियली होप यू doing वेट एंड स्टेइंग absolutely सेफ एज वेल उम्मीद यही है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और फाइनली आपके सामने आपका फेवरेट सेशन हाजिर है दैट इज योर वीकली डोज ऑफ करंट affairs. आपकी वीकली डोज ऑफ करंट अफेयर लेके मैं यानी कि आपका देव हाजिर हूँ I वेलकम यू ऑल टू Byju's exam prep. Hi everyone, संजीव आरती दिवाकर खुशबू ऋषभ विक्रम सोनाली विद्यासागर शिवांगी विक्रम शुभनीत एनसीसी जेके डी टी ऑल द पीपल आउट दैर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है नाउ एज यू ऑल नो वीकली करंट अफेयर हम लोग कैसे कवर करते हैं वीकली करंट अफेयर के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन होते हैं तो क्वेश्चन आंसर्स के एक फॉर्मेट में मैं हेल्प करता हूँ आपको वो चीज़ों को कवर करने की ना सिर्फ क्वेश्चन आंसर सिंगल लाइनर रहते हैं बल्कि क्वेश्चन आंसर्स यूजली मैं मल्टीपल स्टेटमेंट्स लेकर आता हूँ जिससे कि आप सी डी एस सी लेवल की जो तैयारी है वो करंट अफेयर की यहाँ पे कर सको बाकी हमने कॉम्प्रीहेंसिव प्रजेंट सीरीज तो चलिए लानी ही है टुवर्ड्स जुलाई मैं वो लेकर आऊँगा लेकिन तब तक ये वीकली करंट अफेयर्स अगर आप करते रहोगे तो उसका एक ही फायदा है यू विल ऑलवेज बी इन टच विद द करंट अफेयर्स आपका करंट अफेयर से जो टच है वो लूज़ नहीं होता और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप करंट अफेयर से टच लूज़ करें हमेशा एक टच में रहते हो आप तो आपकी जो क्लैरिटी है वो बहुत फुल फ्लेजेड लेती है बहुत मजेदार रहती है ठीक है जी तो शुरू किया जाए बिफोर ए स्टार्ट मेक श्योर यू ऑल शेयर द सेशन विद ऑल योर फ्रेंड्स अपने सभी मित्रों के साथ सेशन को शेयर जरूर कर दो ताकि वो भी सेशन का भरपूर फायदा उठा सकें एंड इफ पॉसिबल यू सर्टली कैन हिट द लाइक बटन एज वेल बिफोर ए मूवमेंट मैं आपको एक बार बता दूं कि बेटे मास्टर सीरीज मेरी चल रही है एवरी डे लिटरली एवरी डे कोई बिना छुट्टी के सात बजे एवरी डे आई कम ऑन बाइज एग्जाम होगा आप में से बहुत सारे लोग शायद ज्वाइन भी कर चुके हैं इसको इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट सबसे बड़ी बात है यह सबके लिए फ्री है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सभी पेपर्स के लिए टूडे इन दिस वेरी नाइस सीरीज आई एम गोइंग टू हैव अ वेरी नाइस क्वेज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का गांधी जी के ऊपर एक बहुत शानदार क्विज करवा रहा हूं उसको मिस मत करिएगा सो इन केस यू वॉन्ट टू ज्वाइन सात बजे मैं लाइव होऊंगा बायजूज एग्जाम प्रेप की ऐप पे आप आराम से मुझे वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं एवरीवन इट्स सर्टेनली फॉर ऑल ऑफ यू चलिए ऑन दिस वेरी नोट आई थिंक काफी सारे सीरियस कैंडिडेट्स आ चुके हैं वी हैव गॉट सो मेनी कैंडिडेट्स हु ऑलरेडी हैव जॉइंड दिस हां जी हां जी ठीक है तो आप एक चीज याद रखिएगा दैट ये जितने भी पॉइंट्स हैं माइनर माइनर से हमें इनको समझना रहता है मतलब जो भी मैं करंट अफेयर आपको करवाऊंगा वी एक्चुअली हैव टू लुक इन टू दैम दैट्स वन थिंग और उससे काफी ज्यादा जो आइडिया भी मिलेगा हमें काफी ज्यादा क्लैरिटी भी मिलेगी बेटे मेरी वॉइस क्लियर है सबको एवरीवन, आई होप माय वॉइस इज 100% क्लियर बिल्कुल चलिए बहुत बढ़िया सो यहां पे आप नोटिस करिएगा जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर आता हूं हैव लुक एट दिस क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर वन फॉर द डे इट सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डब्ल्यूटीओ के बारे में है याद रखियेगाट डब्ल्यू टी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग इसको देखते हैं इसको हम लोग जानते हैं एवरीबडी नो अबाउट दिस नाउ द पॉइंट विच वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि डब्ल्यूटीओ की अगर हम बात कर रहे हैं यहां पे दो स्टेटमेंट्स हैं क्या लगता है आपको कौन सी स्टेटमेंट यहां पर सही है यू हैव टू टेल मी एवरी वन यू थिंक इज द राइट आंसर ओवर हियर शाबाश ये कहता है कि भाई ट्वेल्थ डब्ल्यू टी ओ कॉन्फ्रेंस अभी स्टार्टेड इन स्विट्जरलैंड आफ्टर गैप ऑफ थ्री इयर्स मुझे जहां तक पता है लास्ट कब हुई थी पता है आपको 2017 में हुई थी तो गैप कितना होना चाहिए ऑलमोस्ट फाइव इयर्स का गैप है बेटे थ्री इयर्स का गैप नहीं है फर्स्ट स्टेटमेंट गड़बड़ है सेकंड स्टेटमेंट इंडिया फाउंडिंग मेंबर बिल्कुल सही बात है गैट था उसके बाद डब्ल्यूटी आया तो मेरे हिसाब से बी हैज टू बी द राइट आंसर बी यहां पर बिल्कुल सही जवाब होगा मैं आपको हमेशा एक चीज समझाता हूं कि भाई क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा हुआ है ये जो स्टेटमेंट गलत है यही पे आपको आंसर ढूंढने की हमेशा कोशिश करते रहना है एवरी वन सो ट्राई टू बी वेरी स्मार्ट कि भाई क्वेश्चन अगर गलत है तो गलत क्यों है स्टेटमेंट अगर गलत है तो गलत क्यों है इतना बस ध्यान में रखिएगा कि ऑलमोस्ट फाइव ईयर्स की बात हुआ है लास्ट जो हुई थी दो की इलेवेंथ मिनिस्ट्रीरियल कॉन्फ्रेंस वो हुई थी एरिस पता है आपको अर्जेंटीना बुइनो एरिस में हमने देखा था इसको होते हुए दैट वाज द वन अभी ट्वेल्थ हुई है बस इतनी सी बात है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लाते हैं देर यू गो विद नेक्स्ट क्वेश्चन द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स फाइन यहां पे दो स्टेटमेंट्स हैं इनके बारे में आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहां पे सही है चलिए लेट्स रीड दैट एनसीपीसीआर हैज ऑर्गेनाइज चाइल्ड लेबर इलेमिनेशन वीक एट सेवनटी फाइव प्लेसेज रिसेंटली इन जून अभी आपको पता होगा हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं हाउ मेनी इफ यू नो अबाउट दिस थिंग सबको पता है आजादी के पचहत्तर साल तो क्योंकि हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं उसके तहत सेवेंटी फाइव नंबर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर तो बिल्कुल ये सेवनटी फाइव नंबर की वजह से यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दूसरी बात एनसीपीसीआर बाई द गवर्मेंट ऑफ इंडिया स्टैच्यूटरी बॉडी एप्सोल्यूटली ट्रू आप में से कई लोग शायद जानते होंगे दैट एनसीपीसीआर बॉडी एक 2005 का एक्ट था जिसके तहत 2007 में ये बनी थी 2005 में वी हैड दिस एक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट और 2007 में इसकी फंक्शनिंग प्रॉपरली स्टार्ट हो गई थी सो स्टैचुरी बॉडी मतलब क्या स्टेचुटरी बॉडी मतलब वो बॉडी जो कि पार्लियामेंट के किसी एक्ट के द्वारा बनाई जाती है उसको स्टैचरी बॉडी बोल देते हैं जैसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है ये सारी स्टेचरी बॉडीज की कैटेगरी में आती है तो यहाँ पे दोनों के दोनों सही हैं क्वेश्चन समझ आ रहे हैं सो हाउ डू यू अप्रोच द क्वेश्चन समझ आ रहा है सबको लेट्स मूव नेक्स्ट वन अब देखो ये क्वेश्चन मैं लाया क्यों इसका मैं रीजन बताता हूँ अभी आकांक्षा व्यवहारे बहुत न्यूज़ में थी वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए आपको पहले तो बस ये जानना है कि ये जो भारत की बेटी है ये किस कैटेगरी में कौन सी स्पोर्ट्स में इन्होंने अपने आप को मतलब आगे लेके गई हैं बस पहले तो आप ये चीज ध्यान में रखिएगा अब कौन सी कैटेगरी है दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फोर्टी के जीज कैटेगरी है of course, अभी मतलब शी इज क्वाइट यंग एंड शी हैज लॉन्ग वे टू गो लेकिन आप ये चीज़ जरूर याद रखेगा कि यहाँ पे यूथ वेट लिफ्टिंग जो चैंपियनशिप हुई वहां पर इन्होंने भारत का परचम लहराया है नाउ क्वेश्चन आपको कैसे आएगा क्वेश्चन आएगा कि भाई आकांक्षा जो है वो किस स्पोर्ट्स के साथ जुड़ी हुई है दे आर नॉट गोना आस्क यू द कैटेगरी दे विल आस्क यू द स्पोर्ट तो आपको पता होना चाहिए कि भाई वेट लिफ्टिंग किस एसोसिएटेड दैट्स इट वेट लिफ्टिंग याद रहेगा सो so, आप बस ये जानो कि मैं मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है तो क्वेश्चन पूछने का कारण क्या है दैट्स द ओनली थिंग विच आई वॉन्ट टू पुट अक्रॉस क्योंकि यू विल सी इन द एग्जामिनेशन दे विल बी आस्किंग यू क्वेश्चन लाइक दिस ऑल द टाइम वो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछते हैं फेर है ना आई आई ऑल्सो ट्राई टू ब्रिंग सम पिक्चर्स फ्रॉम द टूर्नामेंट यू कैन है लुक चलो फेर है नैक्स्ट वन नेक्स्ट वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग रिलेटेड टू द इंडिया का रैंक इंडिया का रैंक क्या है किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स पे हमने देखा एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स को उसमें इंडिया का 18.9 स्कोर रहा. व्हाट इज द रैंक यू गॉट टू टेल मी इंडिया ने क्या रैंक अचीव किया शाबाश सी आई वांट दिस क्लास टू बी रियली पार्टिसिपेटिव एवरीबॉडी हैज टू कमेंट एंड लेट मी नो कि भाई क्या है आंसर ऐसे काम नहीं चलेगा सब लोगों को आंसर जो है वो कमेंट करके बताना होगा चलो और वैसे भी मतलब ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये कोई टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में नहीं आते ये क्वेश्चंस आप सॉल्व ही तब कर पाओगे जब आप पार्टिसिपेट करोगे क्योंकि उससे आपके साथ के साथ पता रिवीजन होती रहेगी चलो सबने बोला डी मैं भी मान लेता हूँ डी डी इज द राइट आंसर भाई बिल्कुल वन एट्टी इज द राइट आंसर रैंक अच्छा नहीं है लेकिन सवाल आपका जवाब अच्छा है रैंक अच्छा नहीं है जवाब अच्छा है आपका एक सौ अस्सी रैंक बहुत खराब रैंक है थोड़ा सा आसपास की कंट्रीज का भी रैंक देख लें हालांकि आपको याद नहीं रखना है इंडिया का 180 है पाकिस्तान भी हमसे अच्छा बांग्लादेश भी अच्छा कर गया नेपाल चाइना सब सबको हमसे हम अच्छे कर गए याद रखेगा इंडिकेटर्स क्या होते हैं इसके बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्टेड एरिया स्पीशी प्रोटेक्शन कैसी है एयर क्वालिटी एयर क्वालिटी में भी काफी हम हार खा जाते हैं ग्रीन हाउस गैसेस कितने एमिट करते हैं पीएम पार्टिकल्स कितने वेस्ट मैनेजमेंट मतलब आप ये मान के चलो कि इस तरह का ये इंडेक्स है कि हम लोग बहुत सारी छोटी छोटी चीजों पर यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं मतलब ऐसा नहीं कि रैंडम इंडेक्स है वी आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन सो मेनी स्मॉल स्मॉल पैरामीटर्स और उन पैरामीटर्स के ऊपर ही हम लोग इन सारी चीजों को देख के चलते हैं डेनमार्क यूके फिनलैंड मोल्टा ये तो हमेशा अच्छे रहते ही हैं तो ये मेरे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है लेकिन हाँ इंडिया का रैंक थोड़ा खराब है वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट ठीक है सो so, टॉप पे आप क्या देखते हो डेनमार्क ये लिखा हुआ है बेटे आई थिंक आपको दिखा नहीं है ग्रीन में क्लियर है तो ये मैंने आपको एक साथ ही सारा बता दिया आई आई ट्राई टू टेल यू अच्छा ये रिलीज कौन किसने किया आपको पता है येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी है पता Yale Yale, Columbia, ये है येल यूनिवर्सिटी येल कोलंबिया ये यूनिवर्सिटी है यूएसए की तो इन यूनिवर्सिटीज ने इसको लॉन्च किया है इन यूनिवर्सिटी ने ही इसको रिलीज किया चलो तो यू हैव गॉट अ क्लियर कट आइडिया बेटे डेनमार्क ने किया टॉप फिनलैंड नहीं है डेनमार्क है डेनमार्क इज बेसिकली ऑन द टॉप चलो आगे बढ़े हाँ मैं मैं आपको तभी ये चीज़ दिखाई है डेनमार्क यहाँ पे टॉप पे है डेनमार्क नंबर वन है ये भी मैंने बताया ये लोग कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने रिलीज किया इससे ज्यादा कोई पूछेगा नहीं चलो नेक्स्ट वन विथ द फॉलोइंग एडिशन ऑफ द नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट वॉज रिसेंटली रिलीज बताओ ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी जो है उसका ये पूरा का पूरा जो रिलीज किया गया है वो कौन सा है शाबाश अब देखो ये कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है हम अलग अलग सर्विसेज को यहां पे असेस करते हैं दिस इज द वन एडिशन है यहां पे बेटे मेरी सीरीज आएगी शाम को सात बजे वो बाइजूज एग्जाम्पल के ऐप के ऊपर ही आती है ठीक है बाइजूज एग्जाम्पल ऐप के ऊपर आपको मिल जाएगी अच्छा ये बताना ये एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज थी जो मैंने इंक्लूड किया है यहां पर ध्यान से सुनिएगा इन विथ फॉलोइंग स्टेट और यूटी Uh, निर्मला सीतारमन जी जो हमारी कैबिनेट मिनिस्टर हैं फ्रांस की शी डिसाइडेड टू डेडिकेट नेशनल कस्टम एंड जी म्यूजियम धरोहर टू द नेशन तो ये uh, कहाँ पे हमें देखने को मिला बताइए शाबाश। धरोहर इसका नाम है अब आपको इसका काम मैं बता दे तो नाम तो आपको पता चल गया इसका काम सुनो ध्यान से सुनना बड़ी मजेदार चीज है आपको पता है कस्टम एंड एक्साइज डिपार्टमेंट कस्टम कस्टम्स होता है कस्टम्स क्या करते हैं जैसे आपने किसी चीज पर डिक्लेयर नहीं किया कस्टम तो क्या होता है आपकी चीज़ों को जब्त कर लिया जाता है पता है आपको कन्फिसकेट किया जाता है मान लीजिए कोई गोल्ड है या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसपे स्मगल कर रहे हो आप तो कस्टम क्या करेगा आपको पकड़ लेगा उस चीज़ को कन्फिस्केट कर लेगा तो इस म्यूजियम में वो सारी कन्फिस्केटेड चीज़ें मिलेंगी गोवा में कितना मजेदार है सोचो किसी स्मगलर की चीज़ को पकड़ा और यहां पे रख दिया सो so ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और ये बड़ा न्यू कंसेप्ट भी है आप याद रखिएगा हां जी ब्लू बिल्डिंग में है, बिल्कुल जी ब्लू बिल्डिंग है चार सौ साल पुरानी चार सौ साल पुरानी बिल्डिंग है उसके अंदर इसको बनाया गया तो ये आप याद रखेगा इसका मेन फोकस यही है टू डिस्प्ले आर्टिफैक्ट कन्फिस्केटेड बाय द इंडियन कस्टम डिपार्टमेंट सो आप ये सोचो ये म्यूजियम कितना मजेदार है पॉइंट क्लियर हो गया चलो आगे बढ़े नेक्स्ट वन गोज ऑन स्क्रीन द मिनिस्ट्री ऑफ वेमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द रोड कंडीशन फ्रॉम ऑल स्टेट्स एंड यूटी बताइए क्या है आंसर? बेटे गोवा के अंदर है ये मोनिका बेटे क्या न्यूज है मैंने बस ये आपको बताया है कि वो जो म्यूजियम है धरोहर जो जीएसटी म्यूजियम है कस्टम एंड जीएसटी म्यूजियम है वो गोवा के अंदर है क्वेश्चन that कहते ये बताइए जरा क्या लगता है दैट्स अ वेरी फाइन क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे जो रोड पे रहते उनकी जो फ्यूचर है वो बिल्कुल खराब हो जाता है रोड पे रहने की वजह से तो उसको देखते हुए हमने देखा मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट ने नहीं बल्कि एन जिसके बारे में थोड़ी देर पहले बात की थी उन्होंने इसको लॉन्च किया बेटे नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ये पहली स्टेटमेंट गलत है दूसरी सही है बी इज द राइट आंसर एग्जाम में यहां पर फंसते हैं लोग अभी सब लोग सी बोल रहे हैं ध्यान से सुन लो मेरी बात तो वाई फर्स्ट इज इनकरेक्ट क्योंकि भाई ये है ही नहीं यहां पे ये गलत है इट इज राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर इन्होंने इसको किया है लॉन्च सो आई थिंक इट्स वेरी बेसिक तो यहां पे क्या है जो भी बच्चे हैं बहुत सारे सड़कों पे रहते बच्चे तो उनको कैसे हेल्प दी जाए उनको कैसे वेलरेबिलिटी से बचाया जाए वो हमारा फोकस है दैट्स इट क्लियर हो गया इतना चलो नेक्स्ट वन नेक्स्ट पे चलते हैं बहुत माइनर सा फर्क मैंने डाला क्वेश्चन में एग्जामिनर भी आपको ऐसे ही फंसाएगा एग्जाम में याद रख लेना मेरी बात क्योंकि एनसीपीसीआर मिनिस्ट्री ऑफ वेमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे यहीं पे आप फंसते हो अच्छा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन सुना है आपने इसके बारे बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी नेशनल ये ऑर्गेनाइज आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हेल्थ uh, ये दो स्टेटमेंट आपको बताना कौन सी इनकरेक्ट है फॉलोइंग इनकरेक्ट काफी न्यूज में थी इसलिए मैंने क्वेश्चन अप किया चलो मैंने क्या पूछा आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अगर मैं बोलूं ये भी सही है ये भी सही है तो कौन सा इनकरेक्ट हो जाएगा डी नीदर वन नॉट टू सो डी इज द राइट आंसर दोनों के दोनों करेक्ट हैं बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट तो तो ये तो, अब दोनों करेक्ट है तो आपको यहां पे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत ही नहीं है आपको ऑटोमेटिकली यहां पता चल गया शाबाश आगे बढ़े ये बताना ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है अभी आपको बताऊंगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुई थी ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है इंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल सेशन जिसने अभी तक शेयर नहीं किया है आई थिंक इतना तो आप कर ही सकते हो यू ऑल कैन शेयर द सेशन विद ऑल योर फ्रेंड्स बिकॉज ओनली वैन यू शेयर द सेशन तब उनको पता चलेगा कि सेशन हो रहा है सेशन इंपॉर्टेंट है और वो इस सेशन का पूरा फायदा उठा पाएंगे सिंपल सी बात है चलो भाई फटाफट से मुझे बता दो अब कि यहां पर टॉप किसने किया है कौन सी स्टेट है जिसने सबसे ज्यादा मेडल जीत ली है गुड जॉब ये कौन सा एडिशन का पता है विच एडिशन वॉज दिस बताओ बिल्कुल इट वॉज द फोर्थ एडिशन पहली बात तो चौथा एडिशन था इसको 2021 बोलते हैं वैसे आ, क्योंकि पहला कब हुआ था दो फिर 19 फिर 20 फिर ये 21 अभी बाईस में होगा भोपाल में तो ये आप याद रखिएगा दिस वॉज द फोर्थ एडिशन एंड इट इज हरियाणा जिसने बाजी यहाँ पे मार ली डी इज द राइट आंसर याद रखेगा तो वैसे ये कोई बहुत ज़्यादा आश्चर्य की बात नहीं है अगर आप कॉमनवेल्थ गेम्स देखो या ओलंपिक्स भी देखो तो आप देखोगे हरियाणा के बहुत सारे एथलीट्स हैं जो अच्छा करते हैं तो आप देख सकते हैं 137 थर्टी सेवन मेडल्स टोटल हरियाणा ने जीते हैं जिसमें 52 गोल्ड है फॉलोड बाय महाराष्ट्र फॉलोड बाय कर्नाटका तो टॉप थ्री भी आपको पता है तो ठीक है पंजाब जैसी स्टेट भी जो है नाइन्थ नंबर पर आई है सो so आप देख सकते हैं पंजाब और हरियाणा जबकि नेबरिंग स्टेट है लेकिन काफी डिफरेंस है दोनों में दोनों छोटी स्टेट्स हैं दोनों एग्रीकल्चर बैकग्राउंड की हैं बट यू कैन सी द डिस्पैरिटी वैन इट कम्स टू द स्पोर्ट्स अब याद रहेगा बेटे टॉप पे हरियाणा है हरियाणा शक्ति चलिए लेट्स नाउ टेक यू टू द नेक्स्ट वन ये बताना ये वैसे क्वेश्चन बड़ा ऑब्वियस है बेटे फोर्थ एडिशन है बिल्कुल विच द फॉलोइंग फील्ड इज हर दस हर घर दस्तक कैंपेन रिलेटेड टू किस फील्ड के साथ जुड़ी हुई है ये बताओ हर घर दस्तक ये वैसे बहुत ईजी है चलो कोविड हुआ कोविड बहुत फैला कोविड ने बहुत लोगों को परेशान किया लेकिन कोविड का एक ही इलाज इलाज तो नहीं प्रिवेंशन एक तरह से कि हमें क्या करना है वैक्सीन लेनी है तो कोविड से जुड़ी हुई जो वैक्सीन है जो टीका है वो लेने के साथ जुड़ा हुआ है ये हर घर दस्तक का अभियान तो पहले फेज वन था फिर फेज टू आया तो बस इतना याद रखिएगा कोविड वैक्सीनेशन से यह जुड़ा है ठीक है ये बताओ अभी जॉइंट सिविल मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च हुआ था जॉइंट सिविल मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत न्यूज़ में था जैसे एम कि भाई मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का कैसे हम लोग एक जो तालमेल है वो ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं ये हालांकि 2001 से चल रहा है अभी रिसेंटली इसका एक एडिशन हुआ है तो आप ये बताएंगे मुझे दैट कहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया एनडीए में लबासना में आरआईएमसी में या फिर आई में वेयर वाज इट रिसेंटली ऑर्गेनाइज ऑब्जेक्टिव पता है ना आपको क्या है नेशनल सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा पूरा सब्जेक्ट है तो उसको हम लोग कभी भी केयरलेसली नहीं ले सकते तो चाहे आप सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में हो चाहे आप मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में हो आपको उसको सीरियसली लेना है और ये लबास्टा में किया गया जहाँ पे आई की ट्रेनिंग होती है बाकी सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं उनकी एक फाउंडेशन कोर्स होता है लबास्टा में तो बस इतना आप याद रखिएगा दो से ये चल रही है और रिसेंटली ताकि नेशनल सिक्योरिटी का चैलेंज बाकी जो चैलेंजेस उनको हम इफेक्टिवली मैनेज कर पाए अब ध्यान दीजिएगा क्लियर हो गया इतना वे वॉज द थर्टी एट इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल प्रोग्राम कॉर्पेट बिटवीन इंडियन नेवल यूनिट्स एंड इंडोनेशियन नेवी कंडक्टेड रिसेंटली अभी कॉर्पेट जो है कोऑर्डिनेटेड जो पेट्रोल प्रोग्राम है ये ऑर्गेनाइज किया गया था कहां पे किया गया ये बहुत ज्यादा आई डोंट नो आपको ये वर्ड पता है कि नहीं एस एल सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन की अगर मैं कभी भी बात करूं तो वहां पे ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है इस चीज का स्टेट ऑफ मलक्का तो आप स्टेट ऑफ मलक्का की बात करते हैं एस एल है बहुत मेजर एस एल है वी हैव टू ऑलवेज Understand this point precisely. So, याद इट इज मलक्का स्टेट ये देखिए कैन यू सी दैट तो यहाँ पे स्टेट ऑफ मलक्का की अगर हम बात करते हैं सो यू ऑल कैन ऑब्जर्व दैट प्रिसाइसली एनी डाउट तो स्टेट ऑफ मलक्का के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमने ये ऑर्गेनाइज किया मलक्का स्टेट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट स्टेट दिस इज एंड ये थोड़ा सा आप इसको अंडरस्टैंड करिएगा

सो इट इज फॉर द रिक्रूटमेंट यूथ इन द आर्म फोर्सेज बिल्कुल सही बात है चाहे वो सोल्जर है चाहे वो सेलर है चाहे वो एयरमैन है उनके बेसिकली रिक्रूटमेंट के लिए हम लोगों ने ये स्कीम स्टार्ट की है एंड uh, हालांकि इसके ऊपर काफ़ी सारी uh, टिप्पणी जो है वो की जा रही है बट ये स्कीम्स हो चुकी स्टार्ट दे बी एनरोल्ड फॉर सिक्स ईयर्स दिस इज टोटली रॉन्ग देरोल्ड फॉर फोर ईयर्स और उसमें भी सिक्स मंथ्स तो ट्रेनिंग के ही होंगे और उसके बाद कितने लोग रिटेन होंगे

अग्निपथ so, ये जो अग्निवीर स्कीम है ये आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया होना जरूरी है चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन द प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट मॉड्यूल ऑफ सिंगल विंडो रेजोल्यूशन सिस्टम हैज बिन लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है काफी न्यूज में था यह शाबाश काफी इंटरेस्टिंग है ये मैं आपको इसको ऑब्जेक्टिव भी बताऊंगा बड़ा एक इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्टिव लेके चली है मिनिस्ट्री जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है चलो मिनिस्ट्री ऑफ कोल है नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव देखिए ऑब्जेक्टिव इज टू कंप्लीट द डिजिटल लिंकेज बिटवीन माइन अलॉटी एंड द इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट मॉड्यूल ऑफ मिनिस्ट्री एंड प्रोवाइड डिजिटल सोल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू रिस्पेक्टिव ब्लॉक्स तो आप ये आप याद रखिएगा बैंक गारंटी वगैरह सब इसमें इंक्लूड होगा अभी हमने क्या देखा कोल शॉर्टेज हुई इंडिया में कोल शॉर्टेज की वजह से हम लोग चाहते हैं कि पूरा का पूरा प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो जाए ना जस्ट इन ऑर्डर टू मेक दैट प्रोसेस स्टीम ये सारी जो चीजें हैं इनको किया जा रहा है वो पूरा का पूरा प्रोसेस हम लोग स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं दैट्स इट अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आम का सीजन है आम के ऊपर क्वेश्चन है तो हमने अभी अभी एक पूरा कहते हैं ना आम का मेला लगाया एक आठ दिन का मैंगो फेस्टिवल किया ये देखिए कितने प्यारे मैंगो पड़े हुए हैं मैंगो फेस्टिवल में सो यू जस्ट हैव टू टेल मी कि ये मैंगो फेस्टिवल कहाँ किया बताइए आप देख सकते हैं गोला दिव्या बालन रेशा देसी नवाब अलग अलग वराइटीज जो है आम की वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं तो कहाँ पे हमने इसको ऑर्गेनाइज किया ये बताइए इंडिया से बाहर ही किया है दुबई में नहीं किया सिंगापुर में नहीं किया थाईलैंड में नहीं किया हमने बहरेन में किया मिडल ईस्ट में किया तो क्यों किया क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि एक्सपोर्ट जो है वो बूस्ट हो एंड इसीलिए इसको अपेडा ने ऑर्गेनाइज करवाया है यू नो वॉट अपेडा इज एनी कैन टेल मी वॉट इज अपेडा एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर रिलेटेड है बट बेसिकली अपेडा है क्या अपेडा का, का काम क्या है वॉट इज द वर्क ऑफ अपेडा बहुत इंटरेस्टिंग बॉडी है ये चलो लेट मी शो यू दिस इज वॉट अपेडा इज कैन यू सी दैट ऑन द स्क्रीन ये देखिए अपीडा इज एग्रीकल्चर

एज इंटरकनेक्टिंग द इंडो पैसिफिक रीजन बताइए दोनों स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है सो यू शुड बी एबल टू आंसर दिस वन अभी रिसेंटली काफी न्यूज में थी चलो क्या लगता है दिस इज करेक्ट दिस इज करेक्ट सो यहां पे बोथ आर एपसोल्यूटली करेक्ट ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट एप्सोल्यूटली यहां पर करेक्ट है याद रखेगा अब कई बार बात आती है कि भी आसियान जो है एक, एक ग्रुपिंग है आसियान के अंदर कौन सी कंट्रीज हैं बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आसियान का क्या है तो बेटे मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट कर सकता हूँ यहाँ पे कि कभी भी आप आसियान अगर पढ़ो ऑलवेज रीड इट यूजिंग अ मैप अगर आप मैप के थ्रू नहीं पढ़ते हो तो दिक्कत होगी आपको सो आई एल जस्ट शो यू अ मैप दस कंट्रीज हैं याद रखना बहुत आसान होगा आपके लिए ये देखिएगा ये तो दोनों करेक्ट हैं कैन यू सी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन म्यांमार है हमारा पड़ोसी मुल्क है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए देन वी ओवर थाईलैंड लाओस, फिलीपींस, ब्रुनई वियतनाम मलेशिया कम्बोडिया सिंगापुर एंड इंडोनेशिया इसके यहाँ पे हेडक्वार्टर्स है हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है जकार्ता अभी फिलहाल जकार्ता में है लेकिन कल को हो सकता है चेंज हो जाए जब इंडोनेशिया अपनी कैपिटल मूव कर देगा नुसांतरा तो हो सकता है वहां पर भी चले जाए अभी विल हैव टू सी अभी काफ़ी टाइम है उस चीज़ को लेकिन अभी हेडक्वार्टर्स दे आर बेस्ड इन जकार्ता फेयर एनफ चलो नेक्स्ट वन लेट्स मूव टू वर्ड ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हैव अ लुक एट दिस जी बिल्कुल बिल्कुल फॉलोइंग रिलेटेड टू द माइग्रेशन इन इंडिया ट्वेंटी ट्वेंटी वन रिपोर्ट क्लियर हर्ष क्योंकि इंडिया के साथ काफी अच्छा रिलेशन है इसलिए इंडिया में हो रही है ये बताइएगा वॉट यू थिंक इन इंडिया The India Migration Bureau released by the Ministry of Statistics, according to migration report from July 20 to 21, 3% of the country population were temporary visited to the household. बताइए, what do you think? ये थोड़ा सा factual question है, I know, that's why कई लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी। देखो पहली statement बिल्कुल सही है, दूसरे समय दिक्कत क्या है? It is not 3%, it is how much? इट इज जीरो पॉइंट सेवन परसेंट होगा यहां पर जीरो पॉइंट सेवन परसेंट ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन सो ए हैज टू बी द राइट आंसर काफी फैक्चुअल क्वेश्चन आई नो दैट बट इसी बहाने मैंने आपको ये रिपोर्ट के बारे में बता दिया याद रखियेगा फाइन सो एम एस पी आई जो है वो हमेशा करते देखो टेम्परेरी विजिटर क्या है आप याद रखिएगा टेम्परेरी विजिटर आर क्लासिफाइड हु अराइव आफ्टर मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी एंड स्टेड इन देयर होम्स फॉर फिफ्टीन कंजेक्टिव डेज और मोर बट लेस देन बिक्स मंथ इसको हम लोग बोलते हैं आपको पता है कोविड हुआ था कोविड की वजह से बहुत सारी माइग्रेशन हुई है उसी के कंटेक्स में है ये तो आप याद रखिएगा दिल्ली छोड़ के या बहुत सारे बड़े बड़े शहरों को छोड़ के लोग अपने घरों में गए थे उसके कंटेक्स में मैं ये बात कर रहा हूं अभी तक सेशन जिसने शेयर नहीं किया मेक श्योर यू शेयर द सेशन और जिसने लाइक like नहीं किया अगर आपको यूजफुल लग रहा है सो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एज वेल चलो आगे बढ़े विच ऑज द फॉलोइंग स्टेट लॉन्च द स्कीम टू बाय बैक ओल्ड लिक्वर बोटल शराब की पुरानी बोतलें खरीदने का एक पूरा का पूरा, पूरा प्लान आया है बताइए सो वट यू थिंक शाबाश एक बोतल का दस रुपये भी मिल रहा है तो काफी जो लोग हैं एक्साइटेड होंगे एनीवेज बताइए जरा सो ये बहुत ज्यादा न्यूज में था डेट्स रीजन आई एम इंक्लूडेड इट इज़ तमिलनाडु याद रखेगा यहाँ पे जो तस्मैक शॉप्स हैं इनकी लिकर शॉप्स वहाँ पे हमने क्या देखा है काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं क्योंकि सब लोगों को बोला है कि भाई आप बॉटल दीजिए एंड द बेस्ट पार्ट इज़ लोग पहले बॉटल को फॉरेस्ट में गिरा देते थे या कहीं गिरा देते थे नाउ वी हैव अ प्रोविजन टू गिव टेन रुपीज टू रिटर्न ऑफ द ओल्ड बॉटल फॉर ईच बॉटल रिटर्न एट टैक शॉप सो ये आप याद रखिएगा जो भी वहाँ पर तस्मैक शॉप्स होती हैं वॉट इज तस्मेक मैं आपको बताना चाहता हूं वॉट इज तस्मैक इसके बारे मेंडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड तो इनका एम है टू एलिमिनेट द डिंग ऑफ लिकर बॉटल्स इन द वाइल्ड लाइफ एरिया लोग क्या करते हैं लिकर बॉटल को वाइल्ड लाइफ एरिया में गिराते हैं तो हमने क्या किया हमने इसको इंसेंटिवाइज कर दिया है कि आप उसको रिसाइकिल करो दस रुपये आपको मिलेंगे तो इससे वो भी खुश और जो स्टेट डिपार्टमेंट है वाइल्ड लाइफ का वो भी खुश है तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है क्लियर चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन इन कलेबोरेन विद विच आई एम ट्रेनिंग प्रोग्राम हैज़ बिन ऑर्गेनाइज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एट अ पार्ट ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर कौन सी आई इसके साथ इंक्लूडेड है आपने आई एम कोजिकोड का नाम सुना होगा केरला में सो so, आई एम कोजिकोड जो है वो मेनली इसके साथ एसोसिएटेड है सो लेट मी टेल यू आई एम हैज टू बी द राइट आंसर इट वॉज अ वेरी फैक्चुअल वन सो ये आप याद रखिएगा कि गवर्नमेंट ने इसके साथ एक तरह से कलेबोरेट किया है ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए सिंपल ये ठीक है रोहित मैं कोशिश करूंगा बीस मिल जाए बेटे दस मेरे से ले लेना ले रोहित ठीक है चिंता ना करो दस रुपये मैं दे दूंगा दस आपको दस मैक वाले दे, दे देंगे आगे बढ़ते हैं लेकिन अभी सिलेक्शन ले लो यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव द प्रपोजल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बताइए कौन सा एयरपोर्ट है जिसकी अभी बहुत ज्यादा बात हो रही थी शाबाश। सुना तो होगा आपने इसके बारे में गुजरात में आ, काफी ज्यादा ये न्यूज में था दैट्स द रीजन आई एम आस्किंग यू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इट इज धोलेरा बिल्कुल सो धोलेरा टर्मिनल बहुत ज्यादा था न्यूज में एंड दिस इज बेसिकली सी एयरपोर्ट ऑफ अच्छा इंडिया जापान के रिलेशन के बारे में यहां पे दो स्टेटमेंट्स हैं यू यू कैन ऑल सी दैट हैव टू रीड दैट द फर्स्ट इंडिया जापान फाइनेंशियल डायलॉग वॉज हेल्ट इन न्यू डेली द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल डायलॉग इज टू एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक फाइनेंशियल सिस्टम फाइनेंशियल डिजिटाइजेशन एंड इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट सो ये बताइए जरा क्या ये फर्स्ट टाइम था व टू पॉन्डर ओवर दिस फैक्ट वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिस इज काफी सारे लोग हैं जो इस क्वेश्चन में आई एम श्योर कंफ्यूज हो सकते हैं एंड दिस इज द रीजन आई आज दिस क्वेश्चन शाबाश बेटी एप्सोल्यूटली दिस वॉज द फर्स्ट टाइम काफी हैरानी की बात है दिस इज ट्रू एंड यहां पर मेन ऑब्जेक्टिव यह भी था बोथ आर एब्सोल्यूटली करेक्ट सीख याद रखेगा फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव सीन इंडिया जपैन फाइनेंस डायलॉग बाकी डायलॉग्स तो देखिए अलग जगह है बाकी तो होते हैं लेकिन ये जो तो इंडिया जापान फाइनेंस डायलॉग है दिस इज इन इन नेचर दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम सो दिस कैन बी आज इन द एग्जामिनेशन देशन खुशबू आप नोट्स बना सकते हैं बेटे इसके है? क्लियर है इतना सो डेलीगेशन प्रॉपरली आया था यहां पे न्यू डेली में एंड वी हैड अ नाइस डिस्कशन ऑन लॉर्ड ऑफ पॉइंट ये बताना इंडियन स्टैंडर्ड For grains made from non-electrical coating cabinet has been developed by BIS. Clay non-electrical cooling cabinet named Clay Cool refrigerator presents a eco-friendly technology. So, but I, it was in a lot of news, so that's why I have included this. Think about it. मिट्टी कूल आपने सुना होगा मिट्टी कूल काफी न्यूज में था एनी वेज थिंक अबाउट इट ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट बेटे मिट्टी कूल है लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताओ चलो अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है इसके अंदर वॉट एग्जैक्टली इज द मेन आइडिया वी हैव टू फर्स्टली अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि यहाँ पर जैसे बहुत सारे फ्रूट सेलर्स होते हैं जो भी फ्रूट सेलर्स हैं वो कई बार प्रॉब्लम उनको क्या होती है कि उनके पास इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा कमी है तो आप ये मान के चलिए कि उनकी जितनी भी दिक्कतें हैं वो अब यहाँ पे दूर कर दी जाएंगी इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो ये आप याद रखिएगा दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि सेकेंड स्टेटमेंट गलत सिर्फ इसलिए है कि यहां पे क्ले कूल cool है यहां पे मिट्टी कूल नहीं है बस बाकी सब सही है सो so, जो लोग बोथ बोल रहे हैं मैं वही आपको बताया भी है कि कैसे आपने यहाँ पे आंसर करना है सो ए इज द राइट आंसर वाई क्योंकि इसका आंसर इसका नाम है क्ले कूल cool नहीं है बेटे मिट्टी कूल है मिट्टी कूल ये देखिए दिख रहा है आपको मिट्टी कूल सो so, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं सो वी हैव टू अंडरस्टैंड क्ले नॉन इलेक्ट्रिकल कूलिंग कैबिनेट नेम मिट्टी कूल एक बहुत शानदार इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है इट्स अ नेचुरल क्ले रेफ्रिजरेटर पहले टाइम में गाँव में ऐसी चीज़ें यूज करते थे अगर आपको पता हो फ्रूट मिल्क वगैरह जो है नेचुरल कूलिंग जो है यहाँ पर आप देखेंगे प्रोवाइड की जाएगी और फ्रूट्स वगैरह गंदे जो मतलब ख़राब हो जाते हैं सड़ जाते हैं उसको हम लोग रोक सकेंगे इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग समझ आ गए इतना सो so, काफ़ी इनोवेटिव टेक्निक है ये आगे बढ़ते हैं मोस्ट अग्रेसिव इंटरेस्ट रेट हाइक इन नियरली 30 ईयर्स वी हैव सीन नाइनटीन नाइन्टीज में कभी इतनी हाइक हुई थी अभी फिर से हो गई है तो ये अग्रेसिव हाइक कितनी है इंटरेस्ट रेट कहते हैं ना बढ़ा दिया इंटरेस्ट रेट तो ये इंटरेस्ट रेट कितना बढ़ाया है 0.25 0.50 तो आम ही है यहां पे 0.75 बढ़ा दिया है ये बात याद रखिएगा इंटरेस्ट रेट हाइक क्यों किया जाता है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन महंगाई को कंट्रोल करने के लिए रेट हाइक किया गया है एंड इसने पूरी दुनिया को काफ़ी परेशानी में भी डाला है बिकॉज इट्स इट्स नॉट एवरी डे वी सी दिस थिंग्स हैपनिंग ऐसा नहीं कि हर रोज़ ये चीज़ें होती हैं तो अभी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है पूरी दुनिया में आई एम श्योर आपको भी फील हो रहा होगा कितने लोगों को लग रहा है कि महंगाई बढ़ रही है आसपास देखते हो जो भी बाजार में आम चीज़ें भी हैं खाने की आपको फ़ील हो रहा होगा कि काफ़ी महंगी हो रही हैं तो ये जो महंगी हो रही हैं चीज़ें इसी को तो इन्फ्लेशन बोलते हैं एवरीबडी नोज दैट ये बताओ फॉलोइंग स्टेट इज लॉन्च आपकी जमीन आपकी निगरानी प्लान स्कीम चंडीगढ़ जम्मू एंड कश्मीर लक्षदीप पुडुचेरी बताइए आपकी जमीन आपकी निगरानी प्लान सेशन को मैक्सिमम शेयर जरूर कर दो इट इज जम्मू एंड कश्मीर जी एंड के एक बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव है इट हैज गॉट द एम टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी इन द लैंड रिकॉर्ड मेंटेनेंस इन द जम्मू एंड कश्मीर क्या किसी ने किसी की जमीन पर कब्जा तो नहीं किया क्या उनके पास प्रॉपर कागजात हैं ये सारी चीजें यहाँ पे देखी जा रही है तो वो बहुत बड़ी चीज है तो ये आप याद रखेगा ऑनलाइन एक्सेस होगा पूरा का पूरा पता चलेगा रेवेन्यू रिकॉर्ड्स पे किसके नाम पे कौन सी जमीन है क्लियर अच्छा मैं आपको बस एक चीज और बताना चाहता हूं एक बहुत ज्यादा न्यूज में था उन्मेश इन लॉट ऑफ न्यूज तो ये थ्री डे इंटरनेशनल लिटरेसी फेस्टिवल है जो ऑर्गेनाइज किया गया था हिमाचल में गेटी थिएटर के अंदर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया गया था जो कि शिमला में है तो याद रखिएगा शिमला में उनमेष ऑर्गेनाइज किया गया विच इज़ अ इंटरनेशनल लिटरेसी फेस्टिवल साक्षरता का जो फेस्टिवल है और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट उन्होंने किया है अपना जो हर्षोल्लास है वो इसमें प्रकट किया है तो आप याद रखिएगा बहुत सारी जो बुक्स हैं जो फ्रीडम मूवमेंट की बुक्स हैं या गीतांजलि वगैरह ये सारी जो बुक्स हैं इनको यहाँ पे दिखाया गया था इनको यहाँ रखा भी गया था Uh, ये डेटा याद नहीं रखना है बेटे आपको मैंने ये सिर्फ इंटरेस्टेड बताया जीरो पॉइंट सेवन फाइव तो उसको बताने का कारण था कि आपको पता रहे कि इस तरह की चीजें होती रहती हैं फाइन जीरो पॉइंट टू फाइव होता रहता है लेकिन जीरो पॉइंट सेवन फाइव इज अग डील सो जिसने अभी तक सेशन लाइक नहीं किया मेक श्योर लाइक इफ यू फाइंड इट यूजफुल ऑल ऑफ यू सेशन को शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को फॉर मोर सच सेशन मैं आपको बता दूँ टुडे एट सेवन पी एम मैं आपके लिए ला रहा हूँ एक बहुत शानदार मास्टर सीरीज अगर आप इस पर जुड़ना चाहते हैं तो आपको बस बायजूज एग्जाम्पल के ऐप पे जाना है एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल ऑफ यू आप सब इसमें आ सकते हैं एक बहुत शानदार क्विज करवाऊंगा जिसका आप हिस्सा बन सकते हैं अगर आपको ये दिक्कत है कि सर लिंक नहीं पता चलता हमें कैसे ज्वाइन करना है तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो एंड टेलीग्राम पे आई ऑलवेज पोस्ट यू द लिंक सो so, यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है मेरा आकाश जी के बूस्टर आई विल बी पोस्टिंग द लिंक ओवर हेयर एंड आई थिंक दैट वुड बी वेरी मच ईजी फॉर यू टू ज्वाइन दैन तो सात बजे का सेशन उससे पहले मैं आपको लिंक भेज दूंगा सो यू डोंट हैव टू वरी इन दैट है सो ये सेशन को मैक्सिमम शेयर जरूर करिएगा बिकॉज आई थिंक इट इज़ वेरी मच यूजफुल एक पूरी आपकी जो वीकली डोज ऑफ करंट अफेयर है इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर आपको ये भी पता चलता है कि क्वेश्चन आंसर को अप्रोच कैसे करें मतलब यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि कुछ आप रट रहे हो आप लिटरली क्वेश्चन आंसर को uh, समझ के कर रहे हो आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो एंड आई थिंक दैट इज वॉट मैटर्स सो मेक श्योर यू ऑलवेज हैव दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स राधा दंजस रटने की जो चीज है वो एग्जाम में काम आपको नहीं आएगी कभी भी वेरी मच एट थैंक यू सो वेरी मच और शाम को क्विज का टॉपिक है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे बहुत शानदार क्वेश्चन होंगे सो मिलते हैं शाम को एग्जैक्ट सात बजे और बाइजूज एग्जाम पर मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको लिंक दे दूंगा थैंक यू